स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस्टू टीम। आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में हम बात करेंगे हम लाइट कैसे लाएंगे मार्स और मून पे। तो आइए जानते हैं। तो इसके बारे में तो दो राय है ही नहीं कि हमें रोशनी चाहिए काम करने के लिए, जिंदा रहने के लिए और हर चीज़ के लिए। तो लाइट के मामले में तो कुछ डिस्कशन यहाँ करना ही नहीं है। वी नीड लाइट, एज सिंपल एज दैट। उसमें कुछ आपको डिस्कशन नहीं करना है। प्रॉब्लम यहाँ से आता है कि हम लोग रोशनी को देख नहीं सकते, मतलब प्रकाश जिस चीज़ से बनी होती है उसे हम लोग कहते हैं फोटॉन्स। ना फोटॉन्स जो है बहुत सारे वेवलेंथ में आती है, स्पेक्ट्रम समझ लीजिए। तो स्पेक्ट्रम जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक चलता है। अब जो चीज़ आप देख पा रहे हैं वो सिर्फ यहाँ वाला स्पेक्ट्रम है, बहुत छोटा सा एक हिस्सा है जिसको आप देख सकते हैं। ये बाकी ये आपके लिए अदृश्य है और ये अदृश्य है आपके लिए। मतलब इसीलिए आप मोबाइल टावर को देख नहीं पाते कि मोबाइल टावर से माइक्रोवेव निकल रहा है आप नहीं देख पाते, आपके लिए माइक्रोवेव के अंदर क्या हो रहा है आप देख नहीं पाते, क्योंकि वो सब स्पेक्ट्रम फोटोन ही है लेकिन इस स्पेक्ट्रम पे है जो आपका रेटिना रिएक्ट नहीं करेगा। तो हम लोग के लिए ये सब अदृश्य है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये सब अदृश्य है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये नुकसान नहीं करेगा। जैसे कि अल्ट्रावायलेट को तो आपको पता ही है कि अल्ट्रावायलेट हमें नहीं दिखता लेकिन हमारा स्किन को तो नुकसान पहुँचा ही देता है। एक्सरे आपको भले नहीं दिखता लेकिन एक्सरे के लिए, मतलब जो लोग एक्सरे करते हैं मशीन में आप देखते हैं, उनको लेड के दीवार के पीछे रखना पड़ता है हमेशा। वो हैवी लेड का एक गारमेंट पहनते हैं ताकि रेडिएशन से उनका डैमेज कम हो। और गामा रेडिएशन के बारे में तो बात ही नहीं करना, सीधे नहीं ले लेता है। तो ये चूंकि आप नहीं देख सकते तो इसका ये मतलब नहीं कि वो वहाँ नहीं है और उससे मतलब डैमेज नहीं होगा। तो हमें इस बात के मामले में सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे इस अंतरिक्ष में जाते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि चूंकि धरती का जो कवच है जिसको हम लोग एटमोसफेयर कहते हैं और मैग्नेटिक शील्ड जो है, जो मतलब इसका प्राइम शील्ड है, दोनों के बाहर जब निकल जाता है यानी कि मून पे, ISS में नहीं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसके अंदर है, एटमोसफेयर के अंदर नहीं है लेकिन मैग्नेटिक शील्ड के अंदर है। तो जब आप इसके बाहर निकले यानी आप चांद पे या मंगल पे जाते हैं तब आप बहुत ज़्यादा रेडिएशन से एक्सपोज हो जाते हैं। पहला रेडिएशन तो अपना सूर्य देव ही हैं, भावनाओं में बह के रेडिएशन दे रहे हैं। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि सन जो है थोड़ा कोल्ड स्टार है, मतलब ये गर्म स्टार नहीं है। गर्म स्टार ये मतलब इस टाइप का रेडिएशन ज़्यादा देता है। हमारा स्टार मतलब इस सेक्टर में ज़्यादा ब्राइट है, तो मतलब इंफ्रारेड आर, ऐसा नहीं कि गामा रेज और एक्सरे नहीं निकल रहा है लेकिन कम है। मतलब कुछ कुछ स्टार होते हैं जो एक्सरे और गामा रे में ही बहुत एनर्जी देते हैं। तो हमारे केस में हम लोग थोड़ा सा लकी हैं। लेकिन आप अंतरिक्ष में गए तो एक तो जो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बचा दे रहा था, जो थोड़ा मैग्नेटिक शील्ड बचा देता है, वो सब तो बचना खत्म हो गया। फिर अंतरिक्ष मतलब यानी पूरा तारामंडल जो है उसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं और सब रेडिएशन दे रहा है। तो स्पेस का एक अलग तरह का रेडिएशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे ऐसा समझिए कि पार्टिकल है जो चल रहा है, मतलब कोई भी एटम है जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकल गया वो चल रहा है, और वो जहाँ भिड़ेगा वो उस चीज़ को डैमेज करके चला जाएगा। तो मतलब ऐसा समझिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ और एक रेडिएशन रस उधर गया, वो हमको रोकेगा नहीं, मतलब मेरे में घुस के एब्जॉर्ब नहीं हुआ, लेकिन ऐसे जब जाते रहेगा वो मेरे एक एक सेल जहाँ से वो इंटरेक्ट किया उसको तोड़ता चला जाएगा। मतलब ये जेनेटिक लेवल पे डिस्ट्रॉय कर देता है, DNA को तोड़ देता है। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन, मतलब ये एटॉमिक लेवल पे जाके डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। हम लोग धरती पे सिर्फ इसलिए हैं कि मैग्नेटिक शील्ड उसको बचा के रखा हुआ है। तो ठीक है, आप अंतरिक्ष में गए, आप अंतरिक्ष में अपना माइनिंग वाइनिंग कर रहे हैं तो आप खिड़की तो बनाएंगे ही। खिड़की का दो फायदा है, एक बड़ा सिंपल है, मतलब कुछ सोचना नहीं है, खिड़की है बस, खिड़की है भाई, आपको पता है खिड़की कैसे बनाते हैं। दूसरा एकदम इफिशियंट चीज़ है, मतलब आपका लाइट आ रहा है सीधे आ जा रहा है अंदर, लाइट को सोचना नहीं है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये हर चीज़ को आने देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग को सिर्फ एक छोटा सा थोड़ा सा अल्ट्रावायलेट चाहिए, थोड़ा सा इंफ्रारेड चाहिए, विजुअल स्पेक्ट्रम चाहिए, बाकी सब हटा देना है, वो सब का कोई ज़रूरत नहीं, नुकसान ही हमारे लिए। लेकिन एक खिड़की ऐसा नहीं कर सकती। कोई भी जो आप सनग्लास पहनते हैं या मतलब कैमरा के लेंस पर जो लिखा रहता है कि UV प्रोटेक्टेड और ये सब कुछ हद तक प्रोटेक्शन दे सकता, पूरा नहीं प्रोटेक्ट कर सकता। मतलब समझिए 80% UV जो आ रहा था वो उसको 10% घटा देगा उसमें से। मतलब एक्सरे को तो रोका ही नहीं जा सकता, गामा रेज के बारे में तो बात ही नहीं करनी है, और जो थोड़ा सा इंफ्रारेड है उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मतलब आप ये समझिए कि खिड़की आपने बना दिया है तो घुस ही जाएगा वो, मतलब थोड़ा सा आप इधर उधर हटा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा पानी फिल्टर कर सकते हैं लेकिन प्योर नहीं कर सकते। तो ये उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। और अगर आप चांद पे या मंगल पे कुछ दिन के लिए हैं तो खिड़की से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर लंबा मतलब वक्त बिताना चाहते हैं, मतलब वहीं कई साल रहना चाहते हैं, तो रेडिएशन के बारे में आपको सीरियस सोचना पड़ेगा। तो जो खिड़की से रेडिएशन आ रहा है वो सीरियस हो जाता है। जैसे आप खिड़की यहाँ देख सकते हैं कि रेगुलर यानी चांद की मिट्टी से जो बनाया जाता है, तो 1 मीटर अगर आप मोटा कर देते रेडिएशन नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पर आप खिड़की देंगे वहाँ पर तो एक सीधा लाइन बन गया, मतलब वहाँ से डायरेक्ट कुछ भी घुस सकता है। और मान लीजिए आपका ये जो यहाँ पे मटेरियल डाले उसको ठोस मटेरियल रखेगी, न्यूट्रॉन नहीं घुस सकता, ठीक है,
इंफ्रारेड यू नो और अल्ट्रावायलेट तो घुस जाएगा क्योंकि उसके लिए तो खिड़की आपने बनाया, गामा रेज और एक्सरेस तो ऐसे ही घुस जाएगा। तो इसी कारण से लंबे समय तक अगर आपको रुकना है तो खिड़की अच्छी बात नहीं है। छोटी छोटे खिड़की एक दो तो ठीक है, लेकिन मतलब उससे ना तो उतनी लाइट मिलेगी ना ही मतलब हमारा जीवन चल पाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? सबसे पहला इस्तेमाल है हमारे पास कांच का इस्तेमाल करना, यानी कि मिरर। इसका एक कीमत भरना पड़ेगा कि हम लोग कुछ दिखेगा नहीं। अगर आप मिरर से लाइटिंग करने लगते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कुछ दिखेगा नहीं। तो एक नुकसान तो है कि देखने में लोग थोड़ा क्लस्टरफोबिक लगने लगेगा क्योंकि कुछ देख नहीं पाएंगे। लेकिन इसका फ़ायदा है कि ये बहुत सस्ता है अंतरिक्ष में भी यहाँ पे भी, और सेफ है। सेफ होने का इसका ये मतलब है कि मिरर जो है सिर्फ वही रिफ्लेक्ट कर सकता है जिसके लिए बनाया जा रहा है। तो जैसे कि आप एक मिरर बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपका हैबिटेट है इस जगह पे, ठीक है, आपका सूर्य ऊपर से आ रहा है पूरा रेडिएशन दे रहा है, लेकिन आपने इसको इतना अंदर रखा है ज़मीन के कि रेडिएशन नहीं पार पाए, ठीक है। लेकिन आप एक खिड़की नहीं खोल रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे एक कांच लगा दिए, ठीक है, कांच लाइट को रिफ्लेक्ट किया। कांच सिर्फ वही रिफ्लेक्ट कर सकता है जिसके लिए बनाया गया है, यानी कि अगर ये गोल्ड बनाया जाए तो ये इन्फ्रारेड को रिफ्लेक्ट करेगा। सिल्वर बनाया जाए यानी एल्यूमिनियम का जो इस कलर के होते हैं तो वो विजिबल लाइट्स रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन एक्सरे और गामा रेज रिफ्लेक्ट नहीं होगा, अल्ट्रावायलेट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जितनी बार इसको मिरर से रिफ्लेक्ट कर देंगे, मतलब एक मिरर से रिफ्लेक्ट किए, दूसरा मिरर से रिफ्लेक्ट किए, तीसरा मिरर से रिफ्लेक्ट किए, चौथी बार कुछ नहीं आ रहा, मतलब सिर्फ वही आ रहा है जो आप चाह रहे हैं, तो ये 100% फिल्टर दे सकता है। साइड इफेक्ट बस यही है कि आपको तिगड़म लगाना पड़ेगा और सीधे आप नहीं देख पाइएगा, मतलब कांच से जो देखना है दिख रहा है, लेकिन अगर आप खूब सारे मिरर से एक जगह पे फोकस करें तो वो जगह बहुत ब्राइट हो जाएगा, देखने लायक नहीं रहेगा। तो रेडिएशन, और चूंकि आप मिट्टी के अंदर हैं पूरी तरह से, एकदम सब चीज़ आपका मतलब ज़मीन के अंदर गाढ़ा हुआ है, तो किसी भी चीज़ को सीधा रास्ता नहीं मिल रहा, मतलब एक्सरे सीधा नहीं घुस सकता, न्यूट्रॉन सीधा नहीं घुस सकता, तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। और कांच के बारे में ऐसा नहीं है कि आपको शीशा भी चाहिए, आपको बस एल्यूमिनियम पॉलिश कर लीजिए या स्टील पॉलिश कर लीजिए, काम हो जाएगा, आपको कुछ तिगड़म नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि ये सस्ता और सिंपल है, मतलब कुछ सोचना नहीं इसके बारे में। और जैसे कि मार्स पे या चांद पे तो आपको ये सब स्टील से भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती है और ऑक्सीजन नहीं है, तो उसमें जंग नहीं लगने वाला है, तो आपको स्टेनलेस स्टील भी नहीं बनाना है, नॉर्मल स्टील बनाइए, बस छोड़ दीजिए, कुछ आपको सोचना नहीं है। तो अच्छा, तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है कि एक्चुअली लाइट कैसे आएगा? तो सबसे पहला सिंपल ऑप्शन है, इस तरह का हम लोग सिस्टम इस्तेमाल करें, छोटे छोटे कांच एक जगह पे लाइट मारेंगे, वहाँ पे एक मिरर लाइट नीचे कर देगा। तो खूब सारे मिरर से ऐसा करने से फ़ायदा ये होता है कि बहुत ठोस एनर्जी, खास करके मंगल पे, क्योंकि मंगल सूर्य से इतना ज़्यादा दूर है कि मंगल का दोपहर का धूप जो है आपको बड़ा डिम लगेगा, क्योंकि एक्चुअली वो बहुत दूर है, मतलब सूर्य से बहुत दूर है, बहुत डिम लगेगा। तो आपको ज़्यादा लाइट चाहिए, मतलब इंसान को बहुत लाइट का आदत है, मतलब उतना लाइट का आदत है जितना धरती में आता है। मार्स इतना दूर है कि वहाँ पे उसका एक चौथाई लाइट आ रहा है, तो समझ गया, कुछ चार गुना फील्ड जोड़ के सबका लाइट एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके वापस भेजना पड़ेगा, क्योंकि अगर वैसा नहीं किए तो बड़ा मतलब डल जैसा लगे, मतलब लगे बारिश जैसा मौसम है, मतलब ब्राइट नहीं लगेगा। तो ऐसा करके हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी खिड़की से, एंड में तो आपको खिड़की चाहिए ही, लेकिन आप इतना उसको अंदर जमीन के धंसा चुके हैं, कोई टेंशन नहीं है रेडिएशन के लिए, और उस खिड़की में आप इस तरह का गैस फिल्ड विंडो जिसको कहा जाता है, जिसमें आप मतलब एक ग्लास का प्लेन रखिए, दूसरा ग्लास का प्लेन, और बीच में कुछ भी भर दीजिए, जैसे आर्गोन भरा जाता है ताकि गर्मी इधर सुधर ना जाए, कई कई जगह पे हीलियम भरा जाता है कि आवाज़ इधर सुधर ना जाए। अंतरिक्ष में आपको आवाज़ के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन आप उस तरह से भरते सकते हैं, मतलब खूब सारे कांच का परत लगाइए और उसके बीच में भरते जाइए जो जो चाहिए, आर्गोन रखिए, नाइट्रोजन रखिए, और बहुत सारे गैस हैं जो मतलब कुछ कुछ स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ऐसा कर करके आप एकदम जो बचा खुचा इम्प्योरिटी है उसको भी फिल्टर कर सकते हैं। तो हीलियोस्टैट का इस्तेमाल करके हम लोग आराम से लाइटिंग कर सकते हैं, खूब सारा मिरर एक जगह पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, तो उस टाइम समझिए जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ वो सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम में, थोड़ा सा एक्सरे है, थोड़ा सा एक्सरे तो नहीं ही होगा, थोड़ा सा मतलब अल्ट्रावायलेट है, थोड़ा सा इंफ्रारेड है, जब दोबारा मिरर में रिफ्लेक्ट किया तब तो वो थोड़ा थोड़ा जो ऊपर नीचे था वो भी कम हो गया, फिर जो आखिरी मिरर में रिफ्लेक्ट किया और जो खिड़की से गया, और खिड़की में आप थोड़ा सा रखिएगा ऐसा गैस फील्ड कि कुछ नहीं आएगा, मतलब इंसान के लिए पूरी तरह सेफ रहेगा, मतलब उस लाइट में आदमी सामने बैठा हुआ कोई टेंशन नहीं, उसको स्किन कैंसर नहीं होगा, उसका मतलब रेडिएशन डैमेज नहीं होगा। तो इतना तिगड़म करने का ज़रूरत क्यों है? वो आप बस ऐसा समझिए कि प्लांट जो है, मतलब जो कि ऑर्गेनिक लाइफ है, वो म्यूटेट कर जाता है रेडिएशन अगर बहुत ज़्यादा मिले, जैसे कि ये फुकुशिमा रिएक्टर के आसपास वाले फूल हैं, ये तो बिगड़ गए हैं क्योंकि इनका क्रोमोसोम डैमेज हो गया, जो कि जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं, अंतरिक्ष में ऐसा होता है। तो जैसे मान लीजिए आप इसका इस्तेमाल करके खाने बना रहे थे, तो खाना में रेडिएशन से अगर डैमेज हो गया तो मतलब आपको खाना सेफ है या जहरीला पता तो चलेगा नहीं,
और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, बैठ के मतलब हर खाने का दाना को तो नहीं नापेंगे ना, इसलिए सेफ्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हियर। तो सेफ्टी के लिए रेडिएशन हटाना ज़रूरी है। दूसरा, आपके स्किन को तो पता है, स्किन हमारा हैंडल नहीं कर सकता है। हम लोग जो अल्ट्रावायलेट हैंडल करते हैं वो बहुत फिल्टर होके हमारे पास आता है। आपको तो पता ही है ओजोन लेयर हमारा काफ़ी बड़ा शील्ड है, तो ओजोन ही मतलब काफ़ी हैवी यूवी को हटा लेता है, उसके बाद थोड़ा सा यूवी नीचे पहुंचता है, उससे हम लोग इतना डैमेज हो जाता है। तो समझिए जो अंतरिक्ष का यूवी रेडिएशन है वो तो सीधा आपको डीप फ्राई कर देगा, तो उसके बाद में तो सोचना ही नहीं है। प्लस आपके पास एक फ़ायदा कि अगर आप बहुत लाइट को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो आपके पास इतनी इंटेंसिटी है लाइट की कि आप उसको फिल्टर कर सकते हैं, यानी कि आप उससे एक कलर फिल्टर लगा सकते हैं कि भैया सिर्फ रेड लाइट बाहर जाओ। तो ऐसा आप क्यों करना चाहेंगे? जैसे मान लीजिए आपने हैबिटेट बनाया, उसमें एक जगह है जहाँ पर आप सिर्फ पेड़ पौधा उगा रहे हैं, हवा साफ़ करने के लिए, आपका ये करने के लिए क्या बोलता हूँ मतलब खाने के लिए आप उगा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसमें सादा रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो आ रहा है वो पूरा देते, तो वो जगह गर्म हो जाएगा क्योंकि बहुत ऊर्जा आ रही है। तो प्लांट में कई बार हाइड्रोफोनिक्स में ट्राई किया जाता था कि मतलब वाइट LED लगा लगा के मतलब एक बिल्डिंग में खूब सारे को उगाया जाए। प्रॉब्लम होता था कि लाइट कितना भी इफिशियंट हो, एनर्जी तो खा रहा है, वो एनर्जी गर्मी ही है एंड में थर्मोडायनेमिक्स के चलते, तो जो पूरा जगह है वो धीपने लग गया। तो अगर आप या तो AC से उसको ठंडा कीजिए या लाइट ही कम दीजिए। तो लाइट कम देने का हिसाब ये निकाला गया कि सिर्फ रेड लाइट देते, क्योंकि प्लांट उसको इस्तेमाल करता है। प्लांट ग्रीन कलर का है, मतलब अगर आप उस पर ग्रीन लाइट मारेंगे वो सीधे बाहर फेंक देगा, वो ग्रीन लाइट को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो रेड लाइट प्लांट बहुत इस्तेमाल करता है, और मतलब थोड़ा सा नीला भी चाहिए, थोड़ा सा हरा भी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्योर लाल चाहिए, लेकिन 90% समझिए आपका लाल से ही काम होगा। तो चूंकि आप इतना एनर्जी एक जगह पर डाल रहे हैं, तो आप फिल्टर करने के बाद तो खूब सारा एनर्जी बचा रहेगा। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो हैबिटेट है जहाँ पे आप फसल उगा रहे हैं अपना, छोटे जगह में आप खूब सारा उगा पाएंगे, क्योंकि लाइट सबके लिए रहेगा और गर्मी नहीं रहेगा। तो ये सब करने से काफ़ी फ़ायदा हो, और अगर हम लोग लॉन्ग टर्म अंतरिक्ष में कुछ करना चाहते हैं इसको करना ज़रूरी है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, हाउ डू वी लाइट ऑन मून एंड मार्स। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे। और अगर नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, आप बेल आइकॉन दबा दीजिए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।